नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं तिल से बनने वाली बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और डिलीशियस सी रेसिपी। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी। इसको बनाने में है बेहद आसान। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिए हैं ये तिल। ये मैंने साफ तिल लिए और इनको मैंने हल्का सा भून कर और मैंने मिक्सी में इसको हल्का सा, देखिए कॉसली, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। साथ में लिया है मैंने बूरा, और बूरा भी लगभग 1 कप ही बूरा है। 1 कप तिल, 1 कप बूरा और 1 कप ही है मावा। और मावा फ्रेंड्स, ये मैंने घर का लिया है और मैंने इसको नो फ्लेम वाले मेथड से बनाया है। यदि आपने मेरी लेटेस्ट रेसिपी देखी हो तो उसमें मैंने ये मावा बनाया है। इसके लिए गैस स्टोव मैंने यूज़ नहीं किए और झटपट बनकर तैयार हो गया था। यदि आप ये रेसिपी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिए। और ये मावा बहुत ही आसान है बनाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ अपनी रेसिपी। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, एक लिया मैंने पैन, और ये तिल तो हमने भून रखे हैं पहले से ही। तो अब मैं पैन डाल रही हूँ इस मावा को इस पैन में। तो मैं इसको करती हूँ इसमें ट्रांसफ़र और ले चलती हूँ इसको गैस स्टोव की ओर। तो लीजिए फ्रेंड्स, गैस स्टोव की मैंने ऑन, और इस मावे को मैं भून लेती हूँ। इसको हल्का सा भूनने तक मैं इसको हिलाते रहते चला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हल्का सा भून लूँगी, थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना है इसको। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मावा मैंने ना बिना गैस स्टोव के बनाया था, सिर्फ 2 मिनट में तैयार किया था। और इसकी खुशबू, टेक्सचर, कलर वगैरह सब बिल्कुल जो नॉर्मल मावा होता है उसके जैसा होता है। तो बस ये लगभग भून गया है, अभी मावा भून चुका है। मैंने गैस स्टोव ऑफ कर दी और इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होने देना है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा होना देना है। चाहे तो आप इसमें केसर, केवड़ा या इलायची का फ्लेवर भी मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मावा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मिला रही हूँ मैं ये तिल और बूरा, इन दोनों को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। यदि गर्म होगा ये तो इसमें बूरा डालेंगे ये एकदम मेल्ट हो जाएगा, इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ता है ये। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये बूरा भी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको किया अच्छे से मिक्स। अब मैं इसके बनाने जा रही हूँ मिठाई। इसको बनाने का एक बड़ा अच्छा सा मेथड मैं ले रही हूँ। मेरे पास ये कुछ मोल्ड्स हैं, ये मैंने लिए थे मोल्ड्स, ये आराम से मार्केट में मिल सकते हैं वरना ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। और मैं इसको बताती हूँ मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। जैसे ये है, मैं इसको हल्का सा चिकना किया मोल्ड को और इसको कर रही हूँ मैं फिल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से फिल किया और अच्छे से इसको प्रेस कर दिया। मैंने हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, वैसे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया। और मैं इसको ले रही हूँ दूसरी प्लेट और इसमें इसको इस तरह से, देखिए ये निकल गया, बड़ी प्यारी शेप निकल कर आई है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं सेम प्रोसेस से इस मोल्ड से बना रही हूँ मैं ऐसे ही। इसमें मैं इसको फिल कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से किया प्रेस, अब देखिए। और मैं निकालती हूँ इसको भी प्लेट में इस तरह से। वाओ, आप देख सकते हैं ये भी कितना अच्छा बन गया, लड्डू जैसी शेप। तो इससे मैं 2-4 शेप्स और बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये शेप्स तो बन गई बड़े आराम से। और यदि आप कहेंगे कि सबके पास तो मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो अभी क्या करें, तो उसका भी मैं लेके आई हूँ एक तरीका। पहले जैसे ये स्पून्स होते हैं मसाले वगैरह साथ आते हैं, आप इस तरह की स्पून, किसी भी शेप की स्पून को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको पहले करते हैं फिल स्पून से, और इसको मैं पहले प्रेस करती हूँ, इससे भी बहुत अच्छी शेप निकल कर आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से किया प्रेस और इसको भी दिखाती हूँ। इसको आराम से इसे निकालेंगे हम, देखिए कितनी प्यारी शेप आई है, क्यूट सी। अच्छा, ये तो हमारी स्पून से हो गई। इसी तरह से आप किसी और शेप की स्पून ले सकते हैं, लेकिन इसमें साइड में किनारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, अब एक और शेप दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये ग्लास, ये डिस्पोजल ग्लास है। इसको मैंने, देखिए इसको मैंने कट कर लिया इस शेप में, थोड़ा छोटा ऊँचा या बारीक जितना आप चाहें, मैंने इतना बारीक किया है कट, ये इसको कट कर लिया। और इससे भी हम इससे बहुत अच्छी शेप निकाल सकते हैं। इसको मैं सेम प्रोसेस से फिल करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फिल किया और इसको मैं इसी तरह से उल्टा करके धीरे से निकालती हूँ। वाह, देख सकते हैं कितनी प्यारी मिठाई बनकर आई है। वैसे हमारी साइड से इस मिठाई को वैसे हम तिलबुगा भी बोलते हैं, आप चाहे किसी भी नाम से पुकारें इस मिठाई को। ये तिल की मिठाई बहुत ही अच्छी है, खाने में डिलिशियस है और मेरे साइड इसका बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग शेप्स की ये तिल बुग्गा बना लिए हैं। अब तो आप इस तिल की मिठाई को जरूर ट्राई कीजिए
और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक सो मच।